भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। ये संभव केवल वृंदावन में होता है। इतने पद बाहर की कथा में आते ही नहीं है, कितना भी सोच लूं मैं, ये वृंदावन में ही हो सकता है भैया। इसलिए आनंद लीजिए, खूब भाव से गाओ। भाग्यशाली वे तो हैं ही जिनको तन से वृंदावन मिला है, लेकिन उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जिनके मन में वृंदावन बसा है। भाग्यशाली भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो आ
संताप करो मत को शोक संताप करो मत को दाव भलो बनियायो दाव भलो बनियायो रसिक बिहारी की गति पाई रसिक बिहारी की गति पाई धन धन लोक कहायो धन धन लोक कहायो वृंदावन आयो ऐसा श्री वृंदावन भागवत में एक जगह वर्णन आता है। वृंदावन प्राप्त करने के लिए यदि कोई तपस्या का विधान हो तो वो क्या है? बोले बद्रिक आश्रम में यदि कोई व्यक्ति तपस्या करे और तपस्या करते हुए प्राणों की आहुति दे दे वहीं तप करते करते तो बद्रीनाथ में तपस्या का फल ये होगा कि उसको वृंदावन में जन्म मिल जाएगा और उसी का परिणाम है कि स्वयं श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूपधारी श्रीमन नारायण भगवान बद्रीनाथ में बैठ करके नित्य तप क्यों कर रहे हैं? ताकि हर युग में जब कृष्ण अवतार हो तो हमको वृंदावन प्राप्त हो, ब्रज प्राप्त हो।